I'm going to review this Nivea Ignite football studs. So let's start. इस वीडियो में हम तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे as usually. First, बूट का क्वालिटी. Second, इसका जो स्टड है उसके बारे में. और थर्ड, इसका प्राइसिंग क्या है. मैं ये बूट को पहले भी यूज कर चुका हूँ, इस बूट से प्रैक्टिस कर चुका हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो वो मुझे फॉलो कर लो. क्योंकि ये जो बूट है वो गिव अवे अभी हो चुका है और गिव अवे का विनर है. तो ऐसे ही गिव अवे चलता रहेगा, कोई दूसरा बूट आएगा, बहुत सारा गिव अवे होता रहता है. तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे काफी सारा प्रोडक्ट मिलता रहेगा. देखो भाई, तो निविया ने अभी बहुत अच्छा अच्छा बूट लॉन्च करना शुरू कर दिया. तो पहले से काफी अच्छा बूट अभी निकल रहा है. तो ये जो बूट है निविया का इग्नाइट फुटबॉल स्टड्स, तो इसका मैं पहले बात करूंगा इसका क्वालिटी. तो क्वालिटी में मैं बोलूंगा कि इसका जो वेट है वो लाइट वेट है, एज यूजुअली काफी लाइट वेट है. क्योंकि पहले जो बूट होता था वो एकदम उतना लाइट वेट नहीं होता था. और ये जो आप बैंड देख रहे हो ना, इससे आपका कोई भी मूवमेंट, कोई भी टर्निंग, कोई भी ड्रिबलिंग, ये अच्छा होता है. तो ये एक बार देख लेना हर बूट का. तो ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका सॉफ्ट पार्ट. और इसका जो यहाँ पे कुशनिंग है, ये जो पार्ट होता है, ये निविया ने काफी इम्प्रूव किया है. पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि डैगर में या फिर सफरी में ये जो पार्ट है ना, ये काफी इम्प्रूव हुआ है और ये बहुत अच्छा है. मैं मतलब ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा बना है. और मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम प्राइम क्वालिटी का बूट है वगैरह, लेकिन बहुत अच्छा है. मतलब इस रेंज में, इस प्राइस में बहुत ही अच्छा है. एंड दूसरा, इसका जो स्टड है, आप स्टड देख सकते हैं यहाँ पर. तो इस स्टड से आपको ग्रिपिंग काफी अच्छा मिलेगा. मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम रेनी मॉनसून में एकदम इस स्टड्स को पहन के आप खेले, और क्योंकि ये उतना बड़ा स्टड नहीं है. तो हार्ड ग्राउंड के लिए अच्छा है और टर्फ वगैरह में खेलने के लिए भी ठीक है. लेकिन टर्फ में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि स्पाइक्स आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि टर्फ में बेस्ट है कि आप जॉगर पहन के खेलिए. तो ये बूट पहनकर आप मतलब नॉर्मल इंडियन ग्राउंड में, मतलब अच्छा ग्राउंड में तो अच्छा ही होगा, लेकिन कोई भी एकदम हार्ड ग्राउंड ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे ग्राउंड पे भी ठीक. और इसका जो प्राइस रेंज है वो है 1269 अमेजोन पे. और ऐसे ही आसपास ही घूमता रहता है प्राइस इसका, मतलब जो मुझे लगता है कि काफी अफोर्डेबल है. 1000 के आसपास ऐसे ही बूट मिलता है आपको, दूसरा कंपनी का भी मिल जाता है. लेकिन निविया ने जो ये स्टार्ट किया, मतलब ऐसे सफारी, डैगर, ये इग्नाइट, ये जो बूट है ना, काफी अच्छा है. क्योंकि मैं सच में यही पहन के प्रैक्टिस जाता हूँ, यही पहन के खेलता हूँ, मुझे तो काफी कंफर्ट मिलता है. और एक बात, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि क्या मैं भूल गया, पॉइंट आउट हो गया या क्या कुछ हो गया. और डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लो, बाकी कोई भी डिटेल्स हो, मैं मिस आउट हो गया तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा. तो चलो, गुड बाय. और नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए वो भी बोल दो. नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं. बाय.